धार्मिक स्थल विवाद को लेकर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में शामिल होने हैदराबाद की गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी पहुंच रहे हैं। विधायक दोपहर लगभग 1 बजे महापंचायत में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में वो वहां पहुंचेंगे और हैदराबाद विधायक टी राजा सिंह के अलावा महापंचायत में स्वामी दर्शन भारती, राकेश उत्तराखंडी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक अनुज वालिया, हिंदू जागृति संगठन के केशव गिरी महाराज भी शामिल होंगे। वहीं देवभूमि विचार मंच के सदस्य सूरज डबराल ने बताया कि महापंचायत की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने भी धारा 163 लागू कर दी है, जो शनिवार सुबह 7 बजे से प्रभावी रूप से लागू है। SDM भटवाड़ी मुकेश चंद्र रमोला के अनुसार महापंचायत की सशर्त अनुमति दी गई है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, देवभूमि विचार मंच के बैनर तले 1 तारीख को महापंचायत का आह्वान किया गया है और इसमें तमाम अपने जो धार्मिक संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, धर्माचार्य हैं, कथा वक्ता हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, विभिन्न जो यूनियन है उनके लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है और प्रत्येक हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गाँव से उस दिन यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो जाए ताकि आगामी रणनीति उसमें तय की जाए कि हमको जो अपना उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी की जो संस्कृति है, उत्तरकाशी के जो मूल जो समाज है उसकी संस्कृति बची रहे और प्रत्येक प्रकार से लोगों को हमने अपने समाज के प्रति जागरण करना है कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो बाहर की व्यक्तियों को ज़मीन न बेचें और अगर वो ज़मीन दे रहे हैं तो पहले उनकी पड़ताल कर लें कि वो किसको ज़मीन बेच रहे हैं, वो उस ज़मीन में क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अभी आजकल जो मस्जिद का जो मुद्दा जो बना हुआ है अवैध रूप से, क्योंकि वो भी ज़मीन खरीद करके ही पहले वो ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद उसमें जो है धार्मिक गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं।